आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के नेशनल हाईवे न्यू नंबरिंग 2019 के बारे में। 2019 से पहले भारत के नेशनल हाईवे के नंबर सिस्टमेटिक नहीं थे, इसीलिए 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक विशेष रूल को फॉलो करते हुए इंडियन नेशनल हाईवे को नए नंबर अलॉट किए हैं, जिनमें से प्रमुख और नंबर अर्थात विषम संख्या जिसकी स्टार्टिंग नंबर NH1 और अंतिम नंबर NH87 है, इवन नंबर अर्थात सम संख्या जिसकी स्टार्टिंग नंबर NH2 और अंतिम नंबर NH70 है। इसके अलावा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NH27 और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर NH44 का इस वीडियो में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथ ही गूगल मैप को थैंक्स जिसकी मदद से हमने ये वीडियो बनाया है। अब हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे नेशनल हाईवे 2019 में न्यू नंबरिंग किस प्रकार से अलॉट हुए हैं। इसमें अलॉटमेंट जो है सबसे पहला जो रूल फॉलो होता है वो ऑड नंबर का है, सेकंड में इवन नंबर का है, जिसकी हम चर्चा एक एक करके दोनों का करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ऑड नंबर का किस तरीके से लोकेशन हुआ है। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जितनी सारी नेशनल हाईवे की रोड जाएंगी उनको ऑड नंबर से डिनोट किया गया है। ऑड नंबर यानी 1, 3, 5, 7, 27 से लेकर के 87 तक नंबरिंग रखी गई है ऑड नंबर का। यानी ऑड नंबर के नेशनल हाईवे का जो स्टार्टिंग नंबर होगा एक होगा और लास्ट का जो नंबर होगा वो 87 होगा, ठीक है। उसके बाद में हम जो ए मैप है इसमें हम नेशनल हाईवे को चिन्हित करेंगे जिसका डायरेक्शन होगा वेस्ट टू ईस्ट। तो इस प्रकार हमने अपने गूगल मैप में सारे को एरो मार्क कर लेंगे, जो कि स्टार्टिंग में जो पाला लाइनिंग स्टार्ट होती है हमारी जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती है और ये अंत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आकर के नेशनल हाईवे ख़त्म होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में एक नंबर, फिर हिमाचल प्रदेश में 3 नंबर, उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर 27 नंबर नेशनल हाईवे, जो कि सेकंड लार्जेस्ट नेशनल हाईवे है हमारा इंडिया के अंदर में। उसके बाद में जो कि अहमदाबाद से होते हुए झारखंड और ये सारे लोकेशन को कवर करती है 29 नंबर जो है नेशनल हाईवे है, फिर 31 और लास्ट में हमारी जो नेशनल हाईवे नंबर आती है वो 87 नंबर है। तो इस प्रकार ये ऑड नंबर का एक स्टार्टिंग नंबर होता है और 87 लास्ट नंबर होता है। अब हम बात करेंगे इसके अलावा कि यदि किसी नेशनल हाईवे से यदि कोई अदर नेशनल हाईवे निकलती है तो उसकी नंबरिंग किस प्रकार किया गया है। 27 नंबर नेशनल हाईवे से यदि एक लाइन निकलती है तो इसको 127 डिनोट करेंगे और जो नीचे की तरफ निकलती है उसे 227 के से डिनोट करेंगे। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे इवन नंबर के बारे में। नेशनल हाईवे न्यू नंबरिंग 2019 में इवन नंबर का किस तरीके से डायरेक्शन किया गया है और इवन नंबर को कहां से स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से समझेंगे इसकी हम चर्चा करेंगे। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन के डायरेक्शन में जो भी नेशनल हाईवे जाएंगी उनको इवन नंबर से डिनोट किया गया है। इवन नंबर अर्थात 2, 4, 6, 8, 44 और फिर लास्ट में 70 नंबर आता है, यानी 2, 4, 6, 8, 44 और ये आगे क्रम ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा, ये 70 नंबर में जाकर के लास्ट हो जाएगा। यानी इवन नंबर की जो स्टार्टिंग नंबर है वो 2 नंबर है और लास्ट नंबर जो है वो 70 नंबर है। उसके बाद हम इस गूगल मैप में यहाँ पे नेशनल हाईवे बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो ये पोर्शन है असम वाला, नागालैंड, मणिपुर,
यहाँ से एक हम अपना चिन्हित करेंगे जो कि हम यहाँ से पाला नेशनल हाईवे होगा हमारा इवन नंबर का। फिर उसके बाद में सेकंड लाइन हम डिनोट करेंगे जो कि कोलकाता से सिक्किम के तरफ डिनोट करती है, और उसके बाद में थर्ड जो कि झारखंड, ओडिशा, बिहार इन सारे को कवर करती है, और फोर्थ जो है हमारा ये 44 नंबर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल हाईवे है, और उसके बाद में हमारा 70 नंबर जो कि लास्ट नंबर है इवन नंबर का, ये आपका अहमदाबाद राजस्थान ये होते हुए यहाँ से डिनोट होती है। अब इनकी हम नंबरिंग कर देते हैं, तो फर्स्ट में हम 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और फिर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर 44 नंबर और लास्ट में हमारा 70 नंबर डिनोट होता है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे कि यदि किसी नेशनल हाईवे से यदि कोई लाइन निकलती है, नेशनल हाईवे से यदि लाइन ईस्ट के तरफ निकलती है तो उसकी जो नंबरिंग हम करेंगे वो मेन लाइन से इवन नंबर के थ्रू करेंगे। जैसे 44 से निकलेगा तो 244 हो जाएगा, और यहाँ पे जो दूसरी लाइन है यहाँ पे ये हो जाएगा 444 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यदि नॉर्थ के डायरेक्शन में यदि कोई नेशनल हाईवे जाती है मेन लाइन से या पश्चिम के तरफ जाती है, वेस्ट के तरफ जाती है, तो इसकी जो नंबरिंग होगी वो आपकी ऑड नंबर से स्टार्ट होगी, यानी ऑड लास्ट वाले तो इवन नंबर ही रहेगा यानी 144 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इवन नंबर में ये रूल फॉलो किया गया है डिपार्टमेंट द्वारा, और आशा करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑड नंबर और इवन नंबर का नेशनल हाईवे में हमारा क्या योगदान है। उसके बाद में हम आगे जैसा कि बताए थे स्टार्टिंग में कि हम चर्चा करेंगे वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में, तो आइए देखते हैं जो कि हमारा ये वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर है जो कि सिलचर से लेकर के पोरबंदर तक है। ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया के अंदर में, और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे जो कि फर्स्ट लार्जेस्ट है नेशनल हाईवे इंडिया के अंदर में जो कि श्रीनगर से स्टार्ट होकर के कन्याकुमारी तक जाती है, जो कि एक गूगल मैप पे हम आपको दिखा भी रहे हैं यहाँ पे कि ये श्रीनगर से स्टार्ट होती है और कन्याकुमारी तक जाती है।